हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंस टॉक्स में। दिस इज हैशटैग सेंस टॉक 016। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G81, जो कि है एक कैंड ड्रिल साइकिल। तो G81 की हेल्प से हम लोग एक ड्रिलिंग साइकिल को कैसे वर्क करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि कैन साइकिल का यूज़ करते किस लिए। तो G81 हो गया, G83, G84, ये हमारे कुछ बेसिक कैन साइकिल्स हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास एक प्लेट है, इसका टॉप है, इसका फ्रंट व्यू है, और इसमें हमें कुछ ड्रिल्स करना है। सपोज़ मेरे को यहाँ पे ये चार ड्रिल मेरे को करने हैं। तो अगर इसको मैं मैन्युअली प्रोग्रामिंग देकर बनाऊंगा तो कुछ किस तरीके से बनेगा। यहाँ से मेरा टूल है, टूल को पहले कॉल करूंगा इसके कहीं आसपास। सपोज़ यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया, टूल को कुछ ऐसे कॉल करूंगा। अब ड्रिल तो मेरे को यहाँ से शुरू करना है, तो पहले मैं इसको इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लेके आऊँगा रैपिडली। एक स्टॉप यहाँ पे देंगे और उसके बाद एक स्टॉप यहाँ पे देंगे। अब यहाँ से ड्रिल करना शुरू होगा, यहाँ से टूल ड्रिल करता हो जाएगा, ड्रिल ख़त्म करेगा और उसके बाद वापस बैक यहाँ तक आ जाएगा। वापस यहाँ पहुँच गया, उसके बाद नेक्स्ट थ्रोड के ले जाएगा, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब नेक्स्ट ड्रिल में यहाँ तक जाएगा सेम रेफरेंस पे, यहाँ से फिर ड्रिल करना शुरू करेगा यहाँ से नीचे को, और ड्रिल ख़त्म करके वापस ऊपर को जाएगा ऐसे, और यहाँ से फिर दोबारा से नेक्स्ट होल के लिए जाएगा इस टाइप से। दोबारा से वही चीज़, यहाँ से दोबारा से ड्रिल करता हूँ, नीचे जाएगा यहाँ से ड्रिल करें ना से, उसको वापस रिट्रैक्शन ऊपर को और आगे फिर से इस तरीके से, और वापस यहाँ निकल के इसको हम भेज देंगे दोबारा से होम पोजीशन पे। तो अगर इस टाइप से हम प्रोग्राम बनाएंगे मैनुअली तो कितना लंबा प्रोग्राम बनेगा। पहले यहाँ के पोजीशन दो, यहाँ के दो, यहाँ के दो, हर चीज़ की हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, तब हमारा टूल मैनुअली मूव होगा और हर एक ड्रिल हमारा कंप्लीट होगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, हमारा प्रोग्राम लेंथी ना हो, बहुत शॉर्ट प्रोग्राम हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैन साइकिल्स का। अब सपोज़ आज हम लोग बात कर रहे हैं G81 कैन साइकिल की। तो G81 जो होती है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं ड्रिल के लिए, और बेसिकली वो होती है स्पॉट ड्रिल के लिए। मतलब अगर आपने एक ही बार में पूरा ड्रिल करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं G81 का। चलिए देखते हैं कि हम लोग G81 का यूज़ आखिर करते कैसे हैं। तो जब हम लोग G81 लगा देंगे तो उसमें हमें दो तीन वैल्यूज देनी पड़ेंगी, जैसे कि कहाँ से ड्रिलिंग शुरू करनी है, उसकी डेप्थ क्या होगी और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो ये वैल्यू देने के बाद हमने G81 को लगा के मशीन को जैसे रन करना है तो उसने ऑटोमेटिकली जो जो हमने होल्स की पोजीशन दी होंगी वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिकली ड्रिल कर लेगी। तो सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास एक ड्राइंग है, इसमें जो हमारे ड्रिल है मेरे को 50 mm डेप्थ तक, सपोज़ यहाँ तक 50 है, मेरे को इस डेप्थ तक ड्रिल करना है। और उसके बाद ये जो है पॉइंट हमारा, सपोज़ ये पॉइंट ए है, ये होता है हमारा रिट्रैक्शन पॉइंट, कि ड्रिल करने के बाद कहाँ पे मशीन आके खड़ी होगी, या फिर जब ड्रिल करना शुरू करेगी तो अब डायरेक्टली तो यहाँ से तो शुरू नहीं करने वाली है, इसके थोड़ा सा ऊपर से ड्रिल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सेफ डिस्टेंस जो हुआ इसको हमने बोला आर रिट्रैक्शन, और उसके बाद जो हमारी डेप्थ है टोटल, अब ये जो प्लेन है ये होता है हमारा 0.0, इस रेफरेंस से कितनी हमने डेप्थ तक ड्रिल करना है वो हमारा जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे जेड हुआ 50, तो यहाँ तक हो गया। तो अब जब भी हमने G81 को रन करना है तो हम लिखेंगे G81 और उसके साथ में जेड की वैल्यू दे दो 50। अब यहाँ पे जीरो है तो जेड ऊपर को पॉजिटिव आएगा और यहाँ को नेगेटिव, तो हमें 50 ड्रिल करना है, तो जेड माइनस 50। उसके बाद देंगे रिट्रैक्शन अमाउंट, ये वाला अमाउंट, तो सपोज करो यहाँ पे ये 2 mm का गैप है तो हमने दे दिया इसको रिट्रैक्शन 2 mm। साथ में देंगे फीड, जिस फीड से इसको ड्रिल करना है, तो सपोज मैंने फीड अमाउंट दे दिया 250,
यहाँ तक हो गया और साथ में लगा देंगे एंड ऑफ ब्लॉक। तो जैसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन मशीन में फीड करी तो उसने कैंट साइकिल को ऑन कर लिया। अब हमें इन होल्स के सिंपल कोऑर्डिनेट्स देने हैं इसके बाद, और जो जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग देंगे उससे मशीन ऑटोमेटिकली ड्रिल कर देगी। तो सपोज़ कीजिए ये यहाँ से 5 डिस्टेंस है और यहाँ से भी 5, हर साइड से 5 mm के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका वर्क ऑफसेट कहाँ पे है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज़ इसका जो वर्क ऑफसेट है वो यहाँ पे है, ये है इसका 0.0। अब ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और इनका सपोज़ कीजिए आपस में भी डिस्टेंस 5 5 है। अब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके अकॉर्डिंग क्या आएंगे, यहाँ से अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना गया और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना गया। तो यहाँ से एक्स एक्सिस में गया 5 और यहाँ से वाई में भी गया 5। तो पहले के कोऑर्डिनेट्स आए x5 y5। अब सेकंड के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक कितना गया और यहाँ से यहाँ को कितना, तो एक्स में गया ये 5 + 5 = 10 और y में उतना ही 5, एंड ऑफ ब्लॉक। सिमिलरली पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ से x में कितना गया 5 + 5 + 5 = 15 और y में तो 5 ही है, एंड ऑफ ब्लॉक। और नंबर 4 5 + 5 + 5 + 5 विच इज x 20 और y 5, एंड ऑफ ब्लॉक। वो कुछ इस तरीके से हम लोग G81 साइकिल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें अब एक और कोड है जो हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ एक होता है G98 और एक होता है G99। अब G98 और G99 का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो G98 होता है वो तो होता है डिफ़ॉल्ट कोड, कि अगर हमने इसमें कोई भी कोड यूज़ नहीं किया तो मशीन ऑटोमेटिकली G98 को उठा लेगी। वैसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ G81 G98, अगर यहाँ पे ऐसे यूज़ किया तो भी ठीक है, अगर इसको यहाँ पर नहीं लगा G98 को तो भी मशीन ऑटोमेटिकली G98 को उठा लेगी। अब अगर यहाँ पे लगा G98, अगर G98 यहाँ पे लगा है तो जो रिट्रैक्शन यहाँ पे होगी, मशीन पहले यहाँ पे आई, पहले Z पॉइंट पे आई जो कि 50 mm ऊपर है, फिर R पॉइंट पे आई जो कि यहाँ से 2 mm ऊपर है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे Z पॉइंट पे आई 50 mm पे, फिर आई R पॉइंट पे 2 mm पे, फिर यहाँ से ड्रिल करना शुरू किया। जब ये वापस ड्रिल करके ऊपर को उठेगा टूल, तो अब वो अगर हमने G98 का यूज़ किया है तब वो उठेगा Z की वैल्यू पे, जहाँ पे Z की वैल्यू होगी, तो यहाँ से ये इतना ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट ड्रिल की तरफ जाएगा, यहाँ से दोबारा से ड्रिल करेगा और दोबारा से नेक्स्ट होल पर जाने से पहले इतना रिट्रैक्शन लेगा, यहाँ पे जेड अमाउंट है, और दोबारा से कुछ इस तरीके से जाएगा अगर हमने यूज़ किया है G98 का। लेकिन अब अगर हमने यूज़ किया G99 का, यहाँ पे मैंने लिख दिया G99 का, तो क्या होगा, अगर G99 का यूज़ है तो जो हमारा टूल है वो ड्रिल करने के बाद यहाँ तक वापस नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहाँ तक जो रिट्रैक्शन अमाउंट है हमारी R अमाउंट है यहाँ तक ही वापस जाएगा। तो ड्रिल उसने कंप्लीट किया, यहाँ पे आया और यहाँ से यहीं से वो अगले ड्रिल की तरफ चला गया और यहाँ से फिर से ड्रिल करना शुरू किया, वापस ऊपर गया और यहाँ पे दोबारा से वो यहाँ पे चला गया। तो ये हम लोग करते हैं बेसिकली टाइम को सेव करने के लिए। तो G99 अगर हम यूज़ करेंगे तो R पॉइंट पे रिट्रैक्ट करेगा, और 99 का यूज़ नहीं करेंगे तो Z पॉइंट पे रिट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर तो मैंने G99 का यूज़ कर लिया, लेकिन सपोज़ मेरे को कुछ ड्रिल्स पे इसको यहाँ तक रिट्रैक्ट करना है और कुछ ड्रिल्स पे मेरे को इसको ऊपर तक रिट्रैक्ट करना है, बीच में सपोज़ कोई क्लैंप आ गया या कुछ आ गया, तो उसके लिए मेरे को हाइट ज़्यादा चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर एक कोऑर्डिनेट पे अलग अलग वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज़ कर मैंने 98 दे दिया, यहाँ पे मैंने 99 दे दिया, यहाँ पे दोबारा से 99 दे दिया, यहाँ पे 98 दे दिया। तो क्या होने वाला है, जहाँ पे जिस पोजीशन पे मैं 98 का यूज़ किया होगा, जब वो उस पोजीशन पे जाएगा तो वो Z अमाउंट पे रिट्रैक्ट करेगा, और जब मैं 99 का यूज़ किया होगा
उस पोजीशन पे वो आर पॉइंट पे रिट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रिल साइकिल का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।